हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 बेस्ट सिटीज़ टू लिव एंड वर्क इन इंडिया। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इंडियन काफ़ी सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। मतलब जिनके सिनेमैटिक्स वगैरह मैंने देखे हुए हैं, उन पर रिएक्ट नहीं किया, वो वैसे अक्सर सिनेमैटिक्स वगैरह उनके देखे हुए हैं। जिस तरह मुंबई का सिनेमैटिक्स बहुत मज़े का, स्टार्ट ही समुंदर से होता है और मतलब मज़े का लगता है। खैर, वीडियो का इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक भेज सकते हो। तो लेट्स गो, बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। डी वाई हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे शहर के बारे में जहां पे आप बसने के साथ साथ कामकाज भी कर सकते हैं। ओके, फॉर द पास्ट डिकेड इंडिया की मतलब अच्छा काम मिल से सकता है बहुत शायद। बढ़ चुका है। अब वो इंडिया वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है। नो इंडिया की डाउट, इकोनॉमीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नो ग्रोथ डाउट। के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी तैयार हुआ है। भारत में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में बहुत सारे शहर है जो रहने की योग्य है। एंड टुडे वी कवर द बेस्ट 5 सिटीज इन द कंट्री फ्रॉम एन ऑल अराउंड पर्सपेक्टिव। ये सभी शहर भारत की टॉप 20 विकसित शहर के लिस्ट में अपनी जगह बनाकर रखा है। चलिए जानते हैं वो 5 शहर कौन कौन है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पे अगर आप यार, ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, मतलब कुछ 4-5 कंट्रीज को शायद छोड़ के बाकी तो सारे कंट्रीज में, ये अभी मैं ट्रैफिक के हालात देख रहा हूँ यहाँ पे भी ना, जो बस गुजरी, मोस्टली हमारे कंट्री में भी ऐसे ही है कि हम लोग ना रोड्स के लिए जगह बड़ी नहीं छोड़ते। हमारे जो सिटीज़ के अंदर की रोड्स होती है ना, वो बहुत तंग होती है। मतलब पार्किंग भी रोड के ऊपर है। हम लोग, ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं हमारे कंट्रीज़ में, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मतलब ये आसपास के और कंट्रीज़ की बात कर लो तो। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट यस अपडेट गाइस, हमेशा आपको लाजिम मिलते सब्सक्राइब रहे। करो भाई को। बेंगलोर, बेंगलोर पिछले कुछ सालों में बहुत बदल चुका है। कर्नाटका की बेंगलोर, बेंगलोर बहुत पुरानी मूवी से सुनते आ रहे हैं, मतलब कमाल का सिटी है। खैर, स्टार्ट सनी शहर बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलोर में सिलिकॉन आईटी वैली ऑफ कंपनीज आने इंडिया। से पहले सबसे ज्यादा लोग काम करते थे PSU कंपनी में, लाइक BEHL। नाउ इट हैज बिकम एन आईटी हब, अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड अ वेलकमिंग सिटी विद अ ग्रेट कल्चर एंड ग्रेट वेदर। कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेंगलोर एक मेजर हब है, इसे वाह प्रमुख केंद्र माना जाता है। यार, ये कौन बेंगलोर सी में जगह है? रहने इस की जगह का लागत नाम दिल्ली, लाजिम मुंबई, लिखने आप नोएडा लोगों और ने। दिल्ली की तुलना में भी कम है। बेंगलोर में जमीन और किराए की बड़ी डिमांड है, इसलिए आपको नहीं मिलेंगे। वर्क अपॉर्चुनिटीज इन बेंगलोर, बेंगलोर में जॉब जनरेटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाकी शहर से ज्यादा है। बेंगलोर जाने वाले अधिकांश लोग शहर में दशकों से रहते हैं क्योंकि जॉब हमेशा मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब मिलते हैं आईटी सर्विस कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, स्टार्टअप में। मुंबई, मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल मुंबई, हब है। हमेशा से ही ज्यादातर इंडियंस के लिए मेजर लिविंग डेस्टिनेशन रहा है मुंबई, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज मुंबई में सबसे ज्यादा है। मुंबई महाराष्ट्र का राजधानी शहर है और इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई में बड़ी बड़ी बिजनेस, बॉलीवुड, स्टार्टअप और भी बहुत कुछ बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। वर्क आएंगे यार अपॉर्चुनिटीज एक मुंबई में दिन सबसे घूमने ज्यादा है। फिरने आएंगे। सारे ओ, फील्ड्स के ताज लोग होटल। इस बड़े शहर में काम करने के लिए आते हैं। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री होने के कारण इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई इंडिया का बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शहर में से एक है। यहाँ पे पब्लिक बसेस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, लोकल ट्रेन, मेट्रो एंड मोनोरेल शहर में मौजूद है। मुंबई के आसपास कई सारे वीकेंड गेटवेज है, लाइक लोनावला, पुणे, गोवा एंड यार नासिक। कितने मजे का मुंबई ब्रिज में बनाया नाइट हुआ। लाइफ भी बाकी शहर से काफी अच्छा है और सेफ भी है। मुंबई की GDP है $368 बिलियन और ये इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट GDP वाला शहर है। हैदराबाद, हैदराबाद हैदराबाद मॉडर्न इंडिया का एक परफेक्ट बिरयानी, हैदराबाद रिप्रेजेंटेशन का सुन है। के बिरयानी शहर है। में अभी भी ओल्ड स्कूल चार्म के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलेंगे। हैदराबाद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का राजधानी शहर है। हैदराबाद को निजाम द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया था। हैदराबाद में आईटी कंपनी शिफ्ट होने के बाद शहर का विकास और अरे तेजी से इससे होने क्या कहना लगा है, है। चार मीनार। वर्क अपॉर्चुनिटीज इन हैदराबाद, हैदराबाद साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी हब है। हैदराबाद में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज है, लाइक एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, गूगल। इन कंपनीज का अमेज़न भी ह्यूज हैदराबाद प्रेजेंस में। शहर में मिलेंगे, इसलिए हैदराबाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया के बाकी शहर से ज्यादा है। हैदराबाद को ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जा सकता है। शहर में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंडिया के बाकी शहर से कम है। शहर में बाहर देश के लोग भी मौजूद हैं, लाइक US एंड
हैदराबाद में मेरे ख्याल से उर्दू बोलने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं हैदराबाद में, और एक और सिटी है इंडिया का, मुझे सही से नाम याद नहीं है, लेकिन एक और सिटी भी है जिसमें बहुत प्यारी उर्दू बोली जाती है। तो हैदराबाद को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। पुणे, महाराष्ट्र की पुणे, सेकंड बिगेस्ट शहर है पुणे मुंबई के बाद। पिछले कुछ सालों में पुणे भी मुंबई की तरह अपने आप को डेवलप किया है हर तरफ से। पुणे में यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शहर में एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिलता है। पुणे की क्लाइमेट बेंगलोर की तरह सिमिलर है, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा, पुणे पहाड़ फर्स्ट प्रायोरिटी वगैरह भी में हैं रहते इसके हैं। आसपास पुणे में। में एजुकेशन लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग काफी परिचित है। पुणे में आईटी कंपनीज भी मौजूद हैं, सो जॉब अपॉर्चुनिटी भी शहर में है। पुणे मुंबई से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पर बसा है। पुणे से मुंबई तक हाइपरलूप की प्लानिंग भी हो रहा है, जो एक ओ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, पुणे की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के बाकी मेजर हब से कम है, इवन मुंबई के तुलना में भी बहुत ही कम है। ईज ऑफ लिविंग में पुणे को नंबर वन रैंक्ड मिला है, जिसे तैयार किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। पुणे ऑल्सो हैज बीन रैंक टॉप 10 इन 9 कैटेगरीज सच एज वाटर अवेलेबिलिटी एंड रिडक्शन इन पॉल्यूशन। यार, कोलकाता, ये बहुत इंडिया अच्छी की एक्स बात है। कैपिटल एंड पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर है कोलकाता। कोलकाता में आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ही कम है, लेकिन अदर वेरिएंट टाइप ऑफ जॉब्स कोलकाता में मौजूद है। पिछले कुछ सालों में कोलकाता में काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडिया के बाकी शहर की तुलना में कोलकाता की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है, इसलिए ज्यादातर लोग शहर में रहने के लिए पसंद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। शहर में ऑटोस, पब्लिक बसेस, ट्राम, लॉन्च, मेट्रो, लोकल ट्रेन, रिक्शा एंड टैक्सी मौजूद है। कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट इंडिया भाई का मेजर श्राम हब भी वगैरह कहा भी जा है। सकता है। कोलकाता के आसपास कई सारे वीकेंड गेटवेज है, लाइक दार्जिलिंग, सिक्किम, दीघा, पुरी एंड जलपाईगुड़ी। दोस्तों, ये तो था इंडिया के पांच ऐसे शहर जहाँ पे कामकाज और रहने के लिए बेस्ट है। भाई इन सब इसके शहर अलावा में तो आपको बहुत ज्यादा सिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड ज्यादा इकोनॉमी मदद मिलने के साथ साथ शहर में बस भी सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। इसमें बेसिकली वो सिटीज़ का नाम लिया गया है जो कि सिटीज़ में आप लोग साथ में रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और मतलब इजीली सरवाइव कर सकते हैं, ये वो सिटीज़ है। लेकिन यार, एक तो पुणे का मैंने जो सुना वो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुंबई का तो मुझे इससे पहले ऑलरेडी पता था क्योंकि कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी हुई थी। लेकिन यार कमाल, मतलब जितने सिटीज़ का नाम लिया गया सारे के सारे बहुत अच्छे, और सबसे मेरे ख्याल से इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव, अगर हम लोग वैसे मेरे माइंड के हिसाब से, ये आप लोग ज़्यादा बता सकते हो, मेरे माइंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जो है वो सबसे महंगा भी होगा, रहने के लिहाज से भी और काम करने के लिहाज से भी। काम भी अच्छा मिलता होगा बट रहना भी वहाँ पे एक्सपेंसिव होगा, खाना पीना हो सकता है एक्सपेंसिव हो। हैदराबाद का नाम सुन के तो वैसे ही बिरयानी याद आ जाती है, और हैदराबाद मुझे इतना नहीं लगता कि इतना एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, वहाँ पर जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हैदराबाद इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। खैर, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना कि कौन सा वाला एक्सपेंसिव है सबसे ज़्यादा सिटी, वैसे मुझे इतना पता नहीं है, बट फिर भी प्लान है यार, इंडिया आएंगे एक दिन घूमने फिरने। खैर, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।